ਸੋ ਨਾਉ ਓਮ ਬਪੂ ਨੰਦਾਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਕੀ ਸਦਾ ਨੀਜੇ ਓ ਲੋਬਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ ਸੀ타ਰਾਮ 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 ਗੋਲ ਰੇ ਰਾਦੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਦੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਦੇ ਸ਼ਾਮ ਗੋਲ ਰੇ सीताराम 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 बोल रे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे काहे प्राणी भटक रहा है काहे प्राणी भटक रहा है जीवन है अनमोल रे सीताराम सीताराम ीताराम बोल रे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे राधे श्याम बोल रे, रे वसुदेव चाणूर देवङ्कंसचाणोरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः हाँ जी बापू जी की प्यारी जी। हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर रहे थे जिसमें भगवान कृष्ण अपने मुखार से कह रहे हैं थोड़ा सा सारांश लेते हुए कल हमने तीन श्लोक श्रवण किए थे भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया और मनु ने फिर इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सूर्यवंशी राजाओं से त्रेता युग तक ये चला आ रहा है भगवान श्री राम जी को वशिष्ठ मुनि ने जो वशिष्ठ योग का उपदेश दिया वो भी यही उपदेश था भगवान नारायण ने राम अवतार के रूप में इसको ग्रहण किया और द्वापर युग में कृष्ण अवतार में ये अर्जुन को बता रहे हैं सूरज भगवान तभी से इस उपदेश का पालन करते आ रहे हैं निरंतर सृष्टि को प्रकाशित करते रहते हैं बिना किसी भेदभाव से बिना किसी फल की इच्छा के हे परम तपस्वी अर्जुन परंपरा से प्राप्त ये योग राश्रियों ने जाना किंतु काल के प्रभाव में धीरे धीरे यह ज्ञान नष्ट होता गया क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि फल प्राप्ति की होड़ में वो कर्म योग ही भूलता चला गया परमेश्वर के साथ अपना संबंध भूल गया जिसके कारण यह ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो भक्ति में तुम स्वर्व परि हो मैत्री निभाना कोई तुमसे सीखे तुम्हारा मन और बुद्धि भी शुद्ध है किसी की तुम निंदा भी नहीं करते हो इसीलिए मैंने ये ज्ञान देने के लिए तुम्हें चुना है अब आगे के श्लोक क्रमांक चार हम श्रवण करते हैं अर्जुन उवाच अपत कथ में तिजानी यदो प्रोक्त विति अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं अर्थात ज्येष्ठ हैं तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश उन्हें दिया था जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो भी उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा वो नहीं समझ पा रहा कि कृष्ण का जन्म तो अभी हुआ है फिर उन्होंने सूर्य भगवान को इतने हजारों वर्ष पहले यह ज्ञान कैसे दे दिया तथ्य यह है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा अपितु यह जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते क्योंकि परमात्मा तो सदा ही रहने वाले सदा चित्त आनंद है अथवा उन असुरों के लिए है जिनको ये विचार ही पसंद नहीं कि परमात्मा है कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान है अर्जुन भली बात ही जानता है कि कृष्ण श्री भगवान है और प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत और ब्रह्म की की चरम सीमा भी है अर्थात हर चीज उत्पत्ति उन्हीं से ही हुई है और उनी पर ही समाप्त होती है निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में तो अवतरित हुए हैं सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि परमात्मा किस प्रकार उस शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं जिससे वे इसको किसी प्रमाण के रूप में बताए कृष्ण तो स्वयं परम प्रमाण है यह तथ्य आज नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा यह स्वीकार किया जा चुका है कि परमात्मा सदैव थे हैं और रहेंगे केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं जो भी हो क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है हमेशा और परमात्मा के आगे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे ही विश्व के लिए शुभ है क्योंकि कृष्ण के मुखार विंद से निकले हुए हर शब्द सत्य है कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं किंतु जो भक्त होते हैं वो साक्षात परमात्मा द्वारा उच्चारित वचनों को हृदय से स्वागत करते हैं जिनका परमात्मा में विश्वास है जो मानते हैं कि परम पिता परमेश्वर है तो भगवान कह रहे हैं कि फिर वो उन वचनों का भी पालन हृदय से करते हैं और जिनका विश्वास नहीं है वो जो केवल एक मनुष्य मात्र मानते हैं परमात्मा को या भ्रमित रहते हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जो प्रेमी होते हैं परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो हमेशा ही परमात्मा के अपने गुरुजनों के बताए हुए वचनों की पूजा करते हैं उनका पालन करते हैं क्योंकि वो जानने के इच्छुक ही रहते हैं कि ये सब परमात्मा की शक्ति क्या है कैसे कार्य करती है और इसको करने से क्या परिणाम होता है इसलिए वो हमेशा ही गुरु के वचनों को संभाल कर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं और इस तरह जो नास्तिक गण होते हैं वो कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के समान ही मानते हैं जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं कि अर्जुन तो मानते थे कि ये परम पिता परमेश्वर है भगवान है सर्वशक्तिमान है लेकिन दुर्योधन को इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था और जब वो दूत बनके उनके में, महल में गए और उनसे पांच गांव मांगने की रखी संधि का प्रस्ताव रखा तो कृष्ण ने उन्हें क्रोध में आकर बांधने का प्रयास करा किंतु भगवान कृष्ण ने अपने, अपने विराट जी आ, दुर्योधन ने उन्हें बांधने का प्रयास किया किंतु अपने विराट स्वरूप में आकर परमात्मा ने जो परमात्मा के भक्त हैं उनको दर्शन हो गए लेकिन दुर्योधन उस शक्ति को जान ही नहीं पाया क्योंकि वो असुर प्रवृत्ति का था और उसका वो सिर्फ एक कृष्ण को एक ग्वाला एक बंसी बजाने वाला ही समझता था वो एक सामान्य व्यक्ति ही समझ रहा था किंतु जो भक्तगण होते हैं वो जानते हैं कि परम पिता सर्वशक्तिमान है अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भी भ्रम नहीं हो सकता कहने का भाव है कि जो अर्जुन के जैसे ही परम भक्त होते हैं कृष्ण में परम पिता परमेश्वर में जिनकी आस्था होती है वो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को मानते हैं उनकी प्रवृत्ति में उनके मन में परमात्मा को लेके कोई भी संशय कोई भी भ्रम नहीं रहता आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे ओम श्री कृष्ण अर्पण मस्तु हरे नम हरे नम हरे नमः हे मालिक तेरे बंदे हम हे से हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से डरे ताके हंसते हुए निकले तम ए मालिक तेरे बंदे हम अंधेरा घर छा अच्छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा सो रहा बेखबर कुछ ना आता ना दर, का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम तू अमावस को कर दे पूम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम लो बाके बिहारी लाल की जय सतगुरु महाराज की जय